नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी है। दक्षिण अफ्रीका में मिला ये वेरिएंट अब तक 30 से ज़्यादा देशों में दस्तक दे चुका है। भारत में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक में 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। भारत में इस नए वेरिएंट का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में 30 लोगों के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, तो वहीं दिल्ली में भी 12 लोग संदिग्ध पाए गए हैं। विदेश से लौटे ओमिक्रॉन वेरिएंट के इन 12 संदिग्धों को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है। इनके सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये लोग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं या नहीं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश के कई राज्यों से चिंता बढ़ाने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 10 लोग गायब हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन मिलने के बाद 57 यात्री बेंगलुरु लौटे थे। इनमें से 10 लोग अभी गायब हैं। इन 10 विदेशी यात्रियों को ट्रेस नहीं किया जा सका है और उनके फ़ोन भी बंद जा रहे हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी 30 ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जिनके ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। राजस्थान में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। जयपुर में एक ही परिवार के 9 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 4 लोग एक दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। हालांकि अभी तक इनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है। सभी के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। सभी 9 संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है। चंडीगढ़ में दक्षिण अफ्रीका से लौटी 39 साल की एक महिला ने होम क्वारंटीन का नियम तोड़ा है। महिला 5-स्टार होटल पहुंच गई। महिला 3 दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका से लौटी थी। उसकी रिपोर्ट निगेटिव थी, लेकिन गाइडलाइन के तहत उसे 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहना था। हालांकि महिला को फिर से क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं होटल स्टाफ का तत्काल कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह तमिलनाडु में भी विदेश से लौटे 3 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि परिवार का एक सदस्य UK से लौटा था, वो भी संक्रमित पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कर्नाटक सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 15 जनवरी 2022 तक सभी शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी तरह की कल्चरल एक्टिविटी करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही अब मॉल और थिएटर में उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से लौटने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का आइसोलेशन जरूरी कर दिया है। वहीं देश के दूसरे राज्यों से बंगाल जाने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने हाई रिस्क देशों से लौटने वालों के लिए होम क्वारंटीन अनिवार्य किया है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर यात्री का RT-PCR टेस्ट कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।